करनौल हिसार हाईवे पर हादसा, स्विफ्ट कार को ट्राला ने मारी टक्कर, एयरफोर्स जवान की मौत, छुट्टी पर आया था घर, नितिन बुधवार रात वो अपनी डिजायर में सवार होकर भिवानी के नवाम राजगढ़ में अपने मामा के पास जा रहा था। जब वो नारनौल हिसार मुख्य मार्ग पर दादरी के रावलधी भिवानी लिंक मार्ग के समीप पहुंचा तो एक ट्राला ने उसकी डिजायर को टक्कर मार दी। चरखी दादरी में रावलधी भिवानी लिंक मार्ग के समीप एक तेज रफ्तार ट्राला ने स्विफ्ट डिजायर को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार जिले के गांव बधावाना निवासी एयरफोर्स जवान की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने वीरवार को मृतक जवान का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बधावाना निवासी नितिन 23 एयरफोर्स में LDC क्लर्क लगा हुआ था। वो 4 साल पहले ही एयरफोर्स में भर्ती हुआ था। फिलहाल नितिन की तैनाती जोधपुर थी और वो गत 30 दिसंबर को 10 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। 9 जनवरी को वो उसे वापस ड्यूटी पर लौटना था। बुधवार रात वो अपनी डिजायर में सवार होकर भिवानी के नवा राजगढ़ में अपने मामा के पास जा रहा था। जब वो नारनौल हिसार मुख्य मार्ग पर दादरी के रावलधी भिवानी लिंक मार्ग के समीप पहुंचा तो एक ट्राला ने उसकी डिजायर को टक्कर मार दी। हादसे में नितिन की मौत हो गई जबकि डिजायर क्षतिग्रस्त हो गई। देर रात ही हादसे की सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नितिन के परिजनों को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने शव को दादरी सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया। वीरवार सुबह पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने मृतक के चाचा नरेश के बयान पर आरोपी चालक पर केस दर्ज कर लिया।